हिसाब से तो मतलब आगरा वाले सबसे चटकारेदार लोग। आगरा को सुलह कुल की नगरी बोला जाता है, वो प्रोबेबली इसीलिए बोला जाता है कि हर तरह का इंसान यहाँ पे मिलेगा, हर रिलीजन से मिलेगा, हर कम्युनिटी से मिलेगा। There's a one city जिसने कभी अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर नहीं किया। आज की जो वॉक के थ्रू बताना चाहेंगे कि भाई पेटा है लेकिन उसके अलावा भी इतना कुछ है जो कि शायद इतना फेमस नहीं हो पाया। अच्छा खाना है, फ्रेश है, अफोर्डेबल है और हर जगह पे अभी भी वाइड स्प्रेड है और उसमें एक होमली सेंस है। We are all part of the community, UPAT, and we are collaborating with Sahapedia to organize this walk. खाने की बात आती है तो आप क्या समझते हैं उससे? मुझे पेट ना होए भजन गोपाला, so it's my mood turner, it's everything for me. अपने फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करने की चीज़ें जब हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। बहुत सारी मतलब औषधि भी होती है जिसे हम मतलब इनडायरेक्टली हम कभी जान नहीं पाते। मेरे लिए खाना एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है उस प्लेस का जहाँ हम लोग रह रहे हैं। खाने से मेरा मीन्स ये कि मैं जो भी खाना बनाऊँ घर वाले उसे एंजॉय के साथ खा सके। मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा। गुजरी तमाम उम्र उसी शहर में जहाँ वाकिफ सभी थे पहचानता कोई ना था। ऐसा लगता है कि एकदम मरा हुआ शहर है। अगर हम अच्छे से जाके जो चीज़ें हैं अपने शहर में ही उसे एक्सप्लोर कर पाएँ तब हमें समझ में आएगी उसकी अहमियत और तब हमें समझ में आएगा कितना आज भी अलाइव है ये शहर। स्पेशल दाल मोठ है और जो आगरा से ताल्लुक रखते हैं मोस्टली उन लोगों को काफी पसंद भी आते हैं। मतलब ये हमारे बिस्किट्स हैं। जब हम छोटे थे तो जब भी मम्मी निकलती थी इस साइड पे खास तौर से तो हम जिद करते थे, अरे नाम नहीं पता होते थे उसका, लेकिन अरे भल्ले वाले के पास जाना है तो मम्मी यहाँ पे लेके आया करती थी हमें। आलू को उबालते हैं और फिर उसको घिसते हैं। आलू को घिस के उसका एक जगह खट्टा एक मैश पोटेटो बनाया जाता है। उसके बाद साइड में चना उबाल के उसकी एक फिलिंग बनाई जाती है जिसमें अलग अलग तरीके के मसाले पड़ते हैं और मावाएँ पड़ती हैं, ड्राई फ्रूट्स। इट्स सेमी डीप फ्राई, नॉट अंडर ऑयल बट काफ़ी ऑयल। कुछ लोग होते हैं जिनको करारा भल्ला बहुत पसंद है कि एकदम क्रिस्प होना चाहिए, उसके एजेस भी पूरा ब्राउन हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सॉफ्ट पसंद आता है। इसके साथ में दो तरीके की चटनियाँ, एक मीठी सौंठ जो खजूर या गुड़ से बनती है और एक हरी धनिया की चटनी, और फिर लोग उसके साथ कभी कभी दही डाल के खाते हैं। इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर। आटा नहीं है छलनी से गिरता है देखो नूर। इनके भी पकौड़े मुन्ना लाल के नाम से, पकौड़े ही नहीं बहुत सारी चीजें फेमस हैं। ये ताज ड्रिंक हाउस है, 100 साल पुरानी इनकी दुकान है। इसमें पहले नींबू डालते हैं और एक मसाला डालते हैं और उसके ऊपर से वो कोल्ड ड्रिंक उलटते थे। तो मैंने बंटा की कोल्ड ड्रिंक भी और इधर उधर पी हैं लेकिन इनकी जो वन अप वाली कोल्ड ड्रिंक थी वो उसका अलग ही जवाब था। पाकीज़ा से नाम की इनकी काफ़ी पुरानी दुकान है। ये हमारा होटल 50 साल पुराना है। ये मटन कोरमा है, ये मटन बिरयानी है, ये मटन स्टू है। साबुत मसालों से बनता है ये और ड्राई फ्रूट डलता है इसमें, खोया है और पानी की जगह पर इसमें दूध डलता है इसके अंदर।
अच्छा काफ़ी हैवी मलाई डाल के ठंडा किया हुआ घेवर उस पर नट्स पिस्ता केसर सब डाल के मिलता है। इनकी लगभग 100 साल पुरानी दुकान है गोपाल दास पेठे वाले के नाम से कम इनकी 4 पीढ़ियाँ तो काम कर ही चुकी हैं दुकान में, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है। काफ़ी चीज़ें इनकी फेमस है, इनके पेठे बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी दाल मोड बहुत ज़्यादा फेमस है। घर में दामाद आता था, कढ़ाई छड़ती थी, पूड़ियाँ बनती थी, उसे कोई नहीं पसंद करता है। वो मोमोज, दैट्स नॉट गुड, व्हाट इज दिस, क्या है वो? देखिए जो हमारी ज़मीन है हम लोग खोते जा रहे हैं, सबसे बुरी बात ये। बर्गर, कैपुचिनो, इस तरह के नाम हैं जो मैं आपसे क्या कहूँ। पिज़्ज़ा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये? ये खाने का सत्यानाश है। जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की बोली भाषा बानी खाना पीना सब कुछ मिला के उसको पूरे शहर को एक कौर में चखने का जो स्वाद है उसको हम थोड़ा मिस करते हैं। तो सहापीडिया इस काम में आगे है, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सहापीडिया के कि वो इस तरीके के एफर्ट्स कर रहे हैं और शहर में हम लोगों को जोड़ पा रहे हैं। ये इस वॉक के दौरान मतलब सबसे बड़ी लर्निंग लेसन है हमारे लिए कि जिन चीज़ों से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जुड़ी है, जो लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वही हमारे लाइफ में मेन स्ट्रीम से बहुत बाहर हैं। ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि हम करें अल्हम्दुलिल्लाह जैसा शब्द मेरे मुँह से निकल रहा है। आगरा मेरे लिए पहली बार, मैं आगरा शहर पहली बार आई लेकिन सड़क से होकर गुजर गई थी, लेकिन इस बार मुझे आगरा की गलियों और ज़मीन और ज़िंदगी दोनों से रूबरू होने का मौका मिला। चाहे लजीज व्यंजन हो, चाहे पुराना भूला हुआ इतिहास हो, उन दोनों ने मेरे दिल और जहन में बहुत गहरी जगह बनाई है। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द फ्लेवर्स वी एक्सपीरियंस टुडे वर वेरी वेरी डिफरेंट एंड ऑथेंटिक ओल्ड सिटी, सो दिस वॉक इज कम्प्लीटली ऑसम।